अभी आप काफी देर से तुषार जी और सौरभ जी के द्वारा कई विषयों पर सुन रहे हैं। सर्वप्रथम चर्चा हुई व्यापार, धन जरूरी है। यदि श्रावक के पास में धन नहीं है तो उसका जीवन यापन चलने वाला बहुत जरूरी है धन। और धन कई तरह से कमाया जाता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि धन पुण्य से आता है, क्या ये सही है? आप दोनों बताइए पहले तो, धन पुण्य से आता, क्या ये सही है? अरे बोलिए ना, कौन कौन मानता है? समाज के लिए अच्छा। पुण्य कहाँ से आता है? पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से। और धर्म कहाँ से आता है? करने से। धर्म कहाँ से आता है? करने से। जो हमारे पुराने लोग थे वो धर्म से अत्यधिक जुड़े हुए लोग थे। आराम से सुबह उठेंगे, सामायिक करेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर कोई अतिथि आ जाएगा तो उसे खाना खिलाएंगे, साधु होगा तो उसे आहार देंगे, उसके बाद दुकान जाएंगे। बोलिए ऐसे था या नहीं था? है? सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, ये नित्य प्रति का क्रम होता था उनका, है ना? आजकल की पीढ़ी रात को 12-2 बजे सोती है, सुबह 9 बजे उठती है और केवल पैसा चाहती है, और पैसा चाहने से नहीं आता, ध्यान रखना, पैसा कमाने से नहीं आता। कमाने की बुद्धि भी तब आएगी जब तुम्हारा पुण्य होगा। यदि तुम्हारा पुण्य है तो बुद्धि भी उसी जगह चलेगी जहां से चीज मिली है, और यदि पुण्य नहीं है, पाप का उदय है, तो जहां नुकसान होना होगा वहां बुद्धि चली जाएगी, ऐसा कर ले और तुम ठोकर उठा के वापस चले आओ। तो भजन की लाइन है, मुझे बड़ी पसंद है। भगवान की सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, इसी ओर बचो उसी ओर चलो, यह आप इशारा। जो भगवान का सच्चा भक्त है उसे इशारा अपने आप मिलता है। भाई घर में जाने घर गद्दा है, एक जगह जाना, अपने आप ही इशारा मिल जाता है। और वर्तमान की पीढ़ी ने आज धर्म को सबसे पहले ताक पर उठा के रख दिया, ना मंदिर जाना, ना जाप करना, ना स्वाध्याय करना, ना आहार देना, ना गुरुओं की सेवा करना, बस मॉडर्न कपड़े पहने, बाल फैलाए और अपने आप को अच्छा समझा और चल दी अपने नौकरी कर ली, और ज्यादा हुआ तो डाइटिंग, जरा अच्छा दिखने के लिए डाइटिंग, यानी कि अपने हाथ से अपना जो भी सौरभ जी ने कहा माथा फोड़ रहे हैं, वास्तव में फोड़ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि क्या खाना है, कितना खाना है, इन्हें ये नहीं पता कि कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, जो फैशन में आ रहा है बस वो कर रहे हैं। अब रही बात फैशन की, तो फैशन भी एक व्यापार है। आपको लगता फैशन फैशन है, नहीं, फैशन एक बहुत बड़ा व्यापार है। अब ये व्यापार कैसे है, मैंने सोचा सही कि कैसे ये व्यापार है, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं,
तो ये व्यापार शुरू होता है तुम्हारे हीरो हीरोइन से। बोलिए हाँ या नहीं। अभी रास्ते में चले आओ, कितने पोस्टर मिल जाएंगे उनके। कोई पुड़िया लेके खड़ा है, कोई शराब लेके खड़ा है, कोई कोको कोला लेके खड़ा है, कोई कुकर लेके खड़ा है, कोई कुछ लेके खड़ा है, कोई बनियान पहन के खड़ा है। बोलिए हाँ या ना। अब उनको कपड़े पहना के बेच रहे हैं आप, ऐसे तो खरीदने वाले हैं नहीं। यदि उनने कह दिया कि कपड़ा बहुत बनियान बहुत अच्छी है, आप नहीं खरीदोगे। लेकिन जिस हीरो को आप चाहते हो, उस हीरो को उन्होंने बनियान पहनाई और फिर खड़ा कर दिया, हाँ ये बनियान बहुत बढ़िया है, देखो मैं भी पहन के ऐसे ही लग रहा हूँ। कल्पना करते हैं आई मैंने देख देख के, जैसा वो लग रहा है ना वैसे ही मैं लग रहा हूँ। बोलिए हाँ या ना। जो फैशन डिजाइनर होते हैं, जिन्हें अपना कपड़ा बेचना होता है, तुम सीधे नहीं खरीदोगे। वो तुम्हारे हीरो हीरोइन को कपड़े पहनाते हैं, फिर उसे फिल्म में दिखाया जाता है और वो कपड़े पहनने के पैसे लेते हैं। फैशन डिजाइनर से कपड़े पहनने के पैसे लेते हैं। उनको तो 5 लाख 10 लाख मिल गए, लेकिन उन्होंने तुमसे करोड़ों रुपए कमा लिए। ये फैशन एक बहुत बड़ा व्यापार है। आप ये मत मानो कि फैशन करके हम बहुत अच्छा बन रहे हैं, नहीं, वो तुमसे करवा रहे हैं। कैसे बाल बनाना है, कैसे क्या करना, ये सारा व्यापार चल रहा है। बहुत बड़ा फंडा है। और कहां से चलता है ये सामान्य व्यक्ति के जानकारी का विषय नहीं है। आज पैसा कमा रहे, कैसे कमा रहे, लोगों को दिमाग को बदल बदल के ऐसे ही तो कमा रहे हैं। लड़कियों से एक बात जरूर कहूंगी कि जो बाल फैलाने वाली बात है, आजकल चोटी नहीं बनाती हैं लड़कियां, बाल फैला के रखती हैं, और उसको आप हंसी में मत लेना, उसको आप बिल्कुल सीरियस लेना कि बाल खुले हुए और खुशबू यदि साथ में हो तो जो ऊपरी बाधाएं हैं वो जल्दी चिपट जाएंगी। और फिर बीमार हैं, सारे टेस्ट करवा लिए, इतने पैसे खर्च कर लिए, इतनी दवाई खा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, शादी से जब से लौटे हैं कि शादी किसी और की थी, तुम बाल फैला के वहाँ पहुँच गए, लिपस्टिक लगा के सारा अपना जो भी रूप था वो बना के पहुँच गए वहाँ पर, और फिर लौट के आए उस दिन से तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो। कारण क्या है? कारण ये है, बीमारी पकड़ में आ नहीं रही है और बीमारी पूरे समय रहते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि फैशन करना चलो उतनी जितनी जरूरी है ठीक है, लेकिन अपना बुरा हो जाए ऐसा काम नहीं करना। एक अच्छा इंसान बन के जियो ना। बोले आप लोग गांधी जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों मानते हो गांधी जी को? वो तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते थे। हमारे यहाँ छुल्लक जी जितने कपड़े पहनते हैं, कितने कपड़े पहनते थे गांधी जी? एक लंगोट और एक चक्कर और एक डंडा और साथ में एक घड़ी। आप परिग्रह बात कोई सीखना है तो भगवान महावीर से जो शिक्षा मिलती है उन्होंने उसका पालन किया, और इसकी शिक्षा उन्होंने श्रीमद रायचंद जी, जो हमारे यहाँ बहुत बड़े त्यागी हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, पंडित हुए हैं, आप यदि मोबाइल पर भी सर्च करोगे तो उनके बड़े बड़े आश्रम मिल जाएंगे। और वहीं गांधी जी रहते थे, उनके प्रवचन सुन सुन करके गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद को सीखा था, और उसको सीख करके उन्होंने ऐसा उसका प्रयोग किया कि उस अहिंसा के बल पर देश को आजाद करवा दिया। गुरु मानते थे वो अपना, गांधी जी श्रीमद रायचंद जी को अपना गुरु मानते थे। कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने नहीं आती हैं मगर होती हैं। तो व्यापार, धन कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन कमाना पड़ेगा, बिना कमाए भी नहीं आएगा,
ऐसे नहीं कह सकते कि आप पुण्य होगा तो अपने आप चला आएगा, छप्पर फाड़ के आ जाएगा, कोई तुम्हारा छप्पर लैंटर फाड़ के तुम्हारे यहाँ सोने के सिक्के डाल के चला जाएगा, नहीं होगा। और बहुत अधिक पुण्य हो तो हो भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि ना हो तो नहीं हो सकता। गाय दूध देती है, बोलिए हाँ या ना, अरे जोर से बोलिए ना, गाय दूध देती है नहीं देती है? गाय दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है, अपने आप नहीं देती है, निकालना पड़ता है। लेकिन हाँ, पुण्य के उदय में गाय मिल गई, ऐसी गाय मिल गई जो दूध देती है, दूध उसके धन उसके भरे हुए हैं, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। तो पुण्य का उदय कितना भी हो, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो व्यापार एक काम है, और हमारे यहाँ सोच है कि भाई हम नौकरी देते हैं, हम नौकरी करते नहीं। पहले के समय में तो कई बुजुर्ग मुझे ऐसे मिले कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो गया था, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, लेकिन उनके घर वालों ने बोले आजा हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, इतनी जमीन जायदाद खेती बाड़ी इतना सब कुछ पड़ा है, तू नौकरी करेगा आजा वापस। और अब तो बड़े बड़े व्यापारियों का बच्चा बेटा एक, पापा कहते हैं बेटा मैं अकेला हूँ आजा, नहीं पापा मैं जॉब करूंगा ना, नौकरी का नाम बदल गया है, जॉब हो गया उसका नाम, मैं जॉब करूंगा, मैं नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में व्यापार। बहुत घरों की परेशानियां आज खड़ी हैं, क्योंकि नौकरी करना एक फैशन हो गया है। जिस लड़की को देखो वही मैं तो जॉब करूंगी, भले वो प्राइवेट में जा रही हो, भले वो बिल्कुल कम तनख्वाह में जा रही हो, लेकिन घर में ठहरने कोई तैयार नहीं, घर में रुकने कोई तैयार नहीं है। सबके घर पांव से पांव, सबके पांव घर से बाहर निकलने तैयार हैं कि हमें घर में नहीं रहना है। लेकिन ध्यान रखना, घर में जो सुख और शांति है वो बाहर जाके नहीं मिलती। तो धन कमाना अच्छी बात है, धन कमाओ बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। लेकिन जहां तुम्हारा धर्म पल जाए वहां धन कमाओ, और जहां तुम्हारा धर्म ना पले वहां धन मत कमाना, क्योंकि बिना धर्म के जो धन आएगा वो तुम्हें सुख और शांति देने वाला नहीं है। धन तो आ जाएगा मगर सुख चला जाएगा, धन आ भी गया और सुख चला गया तो ऐसा धन किस काम का है? इसलिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा ये सब कुछ चलता भी रहे साथ में और तुम्हारा धन भी चलता रहे साथ में तो समझना पुण्यवान श्रावक हो। और केवल धन के पीछे भाग रहे हो तो जितना तुम धन के पीछे भागोगे वो और आगे भाग जाएगा, तुम और भागोगे वो और आगे भाग जाएगा, भागो कितना भागते। यदि मिल भी गया 18 घंटे काम करवा के, तुमने लाख रुपया कमा भी लिया 18 घंटे काम करके, कितने घंटे 18 घंटे 15 घंटे से तो काम कम लेते ही नहीं है, हैं? तुम नींबू की तरह निचुड़ जाते हो, कैसे शाम तक तो ऐसे हो जाते हो जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है। फिर तुमने लाख रुपया कमा लिया तो कौन सी बड़ी बात, यहाँ तुम दुकान में बैठते हो पिता के साथ में, जब मन आता है तब घूमने चले जाते हो, टाइम से भोजन कर लेते हो, बच्चों के साथ समय बिता लेते हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार लेते हो, और धन भी आ जाता है और जिंदगी सुख से भी निकल जाती है। ऐसी नौकरी किस काम की कि वो सुबह से शाम तक आंख गड़ाए बैठे रहो, बस करते ही रहो करते ही रहो करते रहो, काम ही नहीं खत्म हो रहा उसमें। बोले आजकल यही काम कर रहे हैं ना बच्चे, और बड़ा स्टैंडर्ड समझते हैं, मेरा बेटा ना वो बस बैठे ही रहता है लैपटॉप के सामने, मेरा बेटा। एक माँ बोली मेरा बेटा बहुत कमाता है, मैंने कहा कहाँ रहता है, बोले दिल्ली रहता है, मेरा बेटा बहुत कमाता है और मेरा बेटा बहुत कम आता है क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है। क्या मेरा बेटा बहुत कमाता है और मेरा बेटा बहुत कम आता है, बस ऐसा है कि जो
वो जो 30-35 हजार रुपए कमाता है उसमें उसके घर का किराया चला जाता है, पत्नी की जो डिमांड होती है वो चली जाती है, और जो वहाँ से गाड़ी में ऑफिस जाता है तो पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ड्राइवर का, वो उसका निकल जाता है। बाकी खाने को मैं भेज देता हूँ, बाकी मेरा बेटा बहुत कमाता है और मेरा बेटा बहुत कम आता है। ये है व्यापार आपका, जिसमें शरीर भी बना रहे, धर्म भी पल जाए, परिवार भी अच्छे से जी जाए, परिवार के बच्चों को भी तुम टाइम दे सको, और तुम गुरुओं की भी सेवा कर सको, और जीवन में धर्म भी ग्रहण कर सको, और बुढ़ापे की तैयारी भी कर सको, ऐसे धन आ रहा हो तो समझना वो बहुत पुण्य से आ रहा है और पुण्य में लग रहा है। अब चले गए बेंगलोर, चले गए विदेश, अब ना मंदिर का पता, ना आत्मा का पता, ना परमात्मा का पता, ना साधु संतों का पता, ना स्वाध्याय का पता, जीवन में से धर्म बिल्कुल खाली हो गया है। तो ध्यान रखना, जो धर्म से खाली हो गया है उसे डिप्रेशन में आने में टाइम नहीं लगेगा, उसे बाहर से टूटने में टाइम नहीं लगेगा। आज बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे इतनी ज्यादा, क्या कारण है? वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि जो कर रहा है मैं ही कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं है। यदि अच्छा किया तो मैंने, और बुरा हुआ तो मैंने, सिलेक्शन हुआ तो मैंने किया, और यदि बुरा हो गया तो कर लो हाथ में हत्या, मैंने ही तो किया था। तो अपने परिवार वालों को अपना समझ के और धर्म के साथ में जो जीवन जिया जाता है उस जीवन में सुख भी होता है, साहस भी होता है, शक्ति भी होती है, सहनशीलता भी होती है और धैर्य भी होता है। तो व्यापार और धर्म जरूर करो, मनाही नहीं है। पैसा कमाओ, खूब कमाओ। क्यों कमाओगे तो क्या करोगे? मंदिर बनाओगे? घर में तो लगना ही लगना, जितना लगना वो तो ठीक है, लेकिन और भी यदि होगा तो मंदिर बनाओगे, धर्मशाला बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, स्कूल बनाओगे, लोगों की सहायता करोगे। तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तो करोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी के लिए पैसा कमाना है, नहीं, पैसा कमाओ लेकिन धर्म मत छोड़ो। पैसे से ही धर्म होता है ये भी दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे से ही धर्म होता है, धर्म होता है तो पैसा होता है। देव पूजा, धर्म करने के तरीके कितने हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान सबसे बाद में है। लेकिन तुमने दान को पहले नंबर पर रख लिया कि हमें तो धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, इसलिए हमें दान करना है ना। अरे पहले पांच काम तो पहले कर लो, फिर धन की बात करना। तो बंधुओं, जीवन में जितना वृक्ष को पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, जितनी तुम्हें सांस लेने की जरूरत है जीने के लिए, उतनी ही जरूरत आत्मा को धर्म की है। अरे सौरभ जी ने बताया था कि वो दिन में भोजन करना और 16 घंटे की फास्टिंग वाला जो बता रहे थे, विदेशों में चल रहा है तो लगता नहीं है, जो सही चीज कह रहे हैं। और भगवान महावीर ने कब कह दी ये बात? 2550 साल पहले कह दी। कितने पहले कह दी? छान के पानी पीना। वैज्ञानिक कहते हैं पानी को फिल्टर करके पियो, भगवान महावीर कहते हैं पानी को छान कर पियो। अंतर क्या है दोनों में? बात बराबर है। पूरी जैन फिलोसफी है। तो जैन धर्म, अभी एक आपके यहाँ कोई गौरव जैन है यहाँ, है ना, गौरव जैन, और शायद वो जैन भी नहीं है, जैन है लेकिन उन्होंने नॉन जैन कम्युनिटी को जोड़ रखा है और बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बोले पहले मेरी श्रद्धा नहीं थी जैन धर्म पे क्योंकि मैं जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि जहाँ देखो जैनियों की प्रतिमाएं जमीन से निकल रही है, जहाँ देखो वहीं खुदाई में निकल रही, गुजरात देखो, महाराष्ट्र देखो, और तुम्हारे तमिलनाडु में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, MP में, राजस्थान में, जहाँ देखो प्रतिमाएं जमीन से निकल रही है।
अकेले जैनियों की प्रतिमा जमीन से निकल रही है, और प्रतिमाएं कहीं कोई निकलती नहीं है, कारण क्या है? फिर उसने बड़ी खोजबीन करी और फिर बोले ऐसा लगा कि जैन धर्म से ज्यादा गहरा धर्म कोई है ही नहीं। एक बार जानो तो सही जैन धर्म क्या है, जानने के बाद ऐसा लगेगा कि हमने पहले क्यों नहीं जाना, पहले क्यों नहीं पढ़ा हमने ये जैन धर्म। दुनिया की कितनी किताबें पढ़ लेना, लेकिन यदि जैन धर्म को नहीं पढ़ा तो अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है। और जैन धर्म को पढ़ लिया, अब आपके जैन साधु जो हैं, अब बहुत सारे माताजी महाराज जी ऐसे होते, कोई सातवीं पढ़े हैं, कोई आठवीं पढ़े हैं, कोई दसवीं पढ़े हैं और साधु बन गए, और बड़े बड़े कलेक्टर को, प्रशासन को, नेताओं को पढ़ाते हैं। बोलिए हाँ या ना, तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने? शास्त्रों से। कहाँ से प्राप्त किया? जीवन जीने की जो शैली है, जैन शास्त्रों में जो बताई है, वो दुनिया में कहीं मिलने वाली है ही नहीं है। और जीवन जीना ही नहीं, जीवन कैसे जीना ये तो बताया ही बताया है, मरना कैसे है ये भी बताया है। तो ये जो मैंने अभी टर्निंग पॉइंट की बात आई थी, जरूर पढ़ना। कुछ विचार मन में आते हैं, जो मन में विचार आते हैं उन्हें डायरी में लिख देती हूँ, है ना, और जो प्रवचन में आते हैं वो बोल देती हूँ। वो तो आप सुन ही लेते हैं, यहाँ नहीं सुन पाते होंगे, घर में सुन लेते होंगे, टीवी पर सुन लेते होंगे। बच्चे सुनते कि नहीं सुनते? बच्चे क्या करें, माता जी आपको पता ही नहीं है हम कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मोबाइल ही तो चलाते होंगे। हाँ, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं और पढ़ाई कम करते हैं। यदि सबसे ज्यादा आज बच्चों को बर्बाद करने वाली कोई चीज है तो मोबाइल है। आंखों को, दिमाग को, कान को, पूरे शरीर को यदि कोई बर्बाद कर रहा है तो मोबाइल कर रहा है। हालांकि उसमें गुण भी है, लेकिन वो कौन लेता है भाई? जैसे टीवी में रामायण भी आई थी और सीरियल भी आते हैं, है ना? अरे बोलिए ना, टीवी में रामायण भी आई थी और वो तुम्हारे नाटक वाटक भी आते रहते हैं, ठीक है? अब किसी ने रामायण को देख करके धोती दुपट्टा पहनना राम जी सीखा क्या? सीता को देख करके अच्छी सी साड़ी पहनना सीखी क्या? नहीं, सीरियल को देख करके कटे फिटे कपड़े पहनना जरूर सीख लिए, मगर रामायण को देख करके, सीता को देख करके नहीं सीखा। जीवन को बड़ी सावधानी से जियो, एक जिंदगी बड़ी कीमती है। एक सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है। किसके लिए जीना है? अरे बोलिए ना, कपड़े किसके लिए पहनते हो? दिखाने के लिए। बाल किसके लिए बनाते हो? दिखाने के लिए। अच्छा सा चश्मा किसके लिए पहनते हो? दिखाने के लिए। अच्छी सी घड़ी किसके लिए पहनते हो? दिखाने के लिए। 1 लाख का मोबाइल किसके लिए रखते हो? बिल्कुल ठीक बात है, स्टैंडर्ड। इससे हमारे स्टैंडर्ड, यानी आप बाहर की चीजों से अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, लेकिन मेरी क्वालिटी अलग है और बाहर की चीजों की क्वालिटी अलग है। बाहर की चीज क्वालिटी वाली है तब तक मैं भी अच्छा दिखूंगा, और वो गई तो मैं खत्म। लेकिन यदि मेरी अपनी क्वालिटी है तो बाहर की चीज हो और ना हो, मेरी क्वालिटी कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। इसलिए जब भी क्वालिटी बनेगी, धर्म से ही बनेगी। आप बड़े बड़े व्यापारियों को देखना, जो कोचिंग आपकी एलएन कोटा में चल रही है, बहुत बड़ा, सबने नाम सुना होगा। उन वो 5 भाई हैं और 5 भाई इतने धर्मात्मा हैं, इतने धर्मात्मा हैं, इतनी साधु संतों की सेवा करते हैं, और इतने वो सब जगह जाकर के तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं, सब करते, और उनके जैसे एक नहीं, मैंने 50 व्यापारी देखे, और सारे के सारे 1 नंबर के धर्मात्मा होते। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समय सार का, और करने में व्यापार का।
छोड़ने में अशंका, छोड़ने में अशंका, अशन यानी भोजन, जब उपवास करते तो भोजन छोड़ते हैं, छोड़ने में अशंका, पहनने में वसन का, वसन यानी कपड़ा, और त्याग करने में व्यसन का, चलने में पाप का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में सिपार्शनाथ का, महिलाओं में बात का, मुख में दांत का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, गाने में सुरकम दत्त में नूपुर का, और आप लोगों के जाने में जहाजपुर का, चंद्रमा में गुरुत्वा कृष्ण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मुनि सुव्रत नाथ भगवान के दर्शन का, सप्ताह में वार का, बच्चों में प्यार का, और ग्वालियर में मुरार का, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का, गैस में लाइटर का, स्कूल में टीचर का, मेंढक में सर्टर का, पढ़ाने में मास्टर का, पीने में वाटर का, गाड़ी में स्टार्टर का, और आने में मोटिवेटर का, पानी में खोलने का, बनिया में तोलने का, और मोटिवेटर का इतना अच्छा अच्छा बोलने का, जंगल में दलदल का, समय में पल का, और चलने में कल हमारे साथ पैदल का। देवेंद्र पूजम त्रिलोकनाथम पुण्य भंडारम अतिशय धारम अचिंत्य चिंतामणि समानम सदैव शरणम अर्हम् नमामि अचिंत्य चिंतामणि समानम सदैव शरणम अरहम। मैडम सेड यस यू, मैंने कहा मैं, तो बोली हाँ तुम, अपन सीट से खड़े हो गए। मैंने कहा मैडम सब एक दूसरे का नाम लिखा रहे थे, मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा दिया होगा। मैडम बोली तुम्हारा नाम है, आकर बोल लोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा मैडम नाम काट दोगे तो क्या हो जाएगा। और मैडम जिद पे अड़ी थी, नहीं बेटा कुछ नहीं होता, आगे आकर बोल लो बेटा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं मनी मन में सोच रहा था मेरी मां तुझे क्या पता यहां खड़े खड़े क्या हो रहा है। और दोस्तों उससे पहले सच बता रहा हूं, सिर्फ किताबों में पढ़ा था पृथ्वी घूमती है, लेकिन आज मैं इस बात का साफ एविडेंस हूं घूमती है। मैंने उस दिन देखी थी, सब कुछ घूम रहा था, सब कुछ घूमते हुए मैंने साफ देखा है, मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। फिर भी मैडम नहीं मान रही थी, आ जाओ बेटा कुछ नहीं होता ऐसे वैसे, और अपने में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे चले जाएं। और आप तो बहुत अच्छे ऑडियंस हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। वहां तो होटिंग स्टार्ट हो गई थी कॉलेज में, हरेशमेंट टाइप में, कि सब देख रहे थे नमूना कौन है। फिर मैडम ने फाइनली कहा अच्छा ऐसा करो कि चिट उठा लो अर्पित भाई, और टॉपिक पसंद का है तो बोल लेना, नहीं तो छोड़ देना। मैंने कहा मैडम अगर आप मेरे को यहीं खड़े कहो ना अपनी पसंद के टॉपिक पे बोल ले तो बोल नहीं सकता, चिट उठाने की बात कहां से आई। बट पता नहीं उस दिन मैम को क्या हुआ था, इनफैक्ट क्या खा के आई थी वो मान नहीं रही थी। अपन भी फिर जब इतनी जिद पे अड़ गई, मैम उठाओ चिट, I went ahead, I picked the chit, और उसमें टॉपिक आया था उसी टाइम पर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने राजस्थान के पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया था, और वही मेरे पास टॉपिक आ गया पोखरण परमाणु परीक्षण। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में उसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ था, बोलना शुरू कर दिया। और मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है मैंने क्या बोला था, मैं यहां तक बोल गया था कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को कॉलेज में भी परमाणु बना लेने चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तुषार भाई दिस वॉज द कॉन्टेंट ऑफ माई स्पीच, और बड़ी मुश्किल से स्पीच खत्म करी और आकर बैठ गए। और स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई, एक्चुअली स्टोरी तो यहां शुरू हुई। जब प्राइज अनाउंस हुए तब हुई घोर बेइज्जती, सौरभ जैन बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड प्राइज, मैंने कहा इतनी बेइज्जती, वो तो ना जो कुछ भी नहीं कर पाते तुच्छ टाइप के, बोले इन्हें भी खुश कर दो। मैं गया आगे, मैंने कहा मैम व्हाई दिस प्राइज टू मी, ये मुझे क्यों दिया जा रहा है, अदर स्पीकर हैज स्पोकन सो वेल। मैडम सेड इफ यू हैव एनी डाउट देर आर थ्री जजेस, गो एंड स्पीक टू देम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तीन जजेस हैं जाकर उनसे बात कर लो। आई वेंट टू द जजेस,
मैं जजेस के पास गया, मैं कुछ बोलता उससे पहले वो बोल पड़े, योर कंटेंट वॉज पैथेटिक एंड हॉरिबल, तुम्हारा जो कंटेंट था वो बहुत ही बकवास था, बेहुदा था। मैंने कहा यही कहने मैं आया हूं, फिर ये प्राइस मुझे क्यों दे रहे हो? दे स्टेटेड कि बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे, तुमने जो बोला तुम्हारे अंदर से आ रहा था, वगैरह वगैरह। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था साथियों जब मैं स्टेज पर गया, और आज वही लड़का जिसे मुझे भी नहीं पता मेरा नाम किसने लिखाया था, आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है, राजस्थान की विधानसभा में उसे इनवाइट किया जाता है, राजस्थान की विधानसभा में जाकर वो स्पीच देता है, सेंट्रल जेल में वो जाकर स्पीच देता है, और आज सैकड़ों देश की और विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम करता है। मेरी मम्मी यहाँ 10 दिन के लिए यहाँ पूजा करके गई, और यहाँ का मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि जिसको मैं इसकी प्रक्षाल देखने के बाद ही अपनी प्रक्षाल करने मंदिर में जाता हूँ। 7 बजे ये प्रतिमा की ये प्रक्षाल आती है पारस टीवी पे, और यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना बढ़िया भगवान की मूर्ति है कि जैसे साक्षात अभी बिल्कुल बोल ही रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही मन खुश हो गया। और यहाँ पर लाने का जो सौभाग्य है वो मेरी माता जी को है, जिन्होंने मेरे 2 महीने से बिल्कुल वो कर रखा था कि मुझे तू जहाजपुर लेके चलेगा कि नहीं चलेगा, तो अचानक ही कल भाव बने और यहाँ पर आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और मैं यहाँ आज दूसरी बार आ रही हूँ, आज से 2 साल पहले मेरी मम्मी जी ने यहाँ पे 10 लक्षण के लिए आई थी, तब मैं उनको लेने आई थी, और आज दूसरी बार मैं सपरिवार आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड से बहुत दिनों से कह रही थी कि आप चलिए चलिए, और कल अचानक हमने प्रोग्राम बनाया, शाम को 4:30 बजे बाद निकले और यहाँ आए। हमारा बहुत सौभाग्य था कि आज अभिषेक, प्रथम अभिषेक और प्रथम शांति धारा दोनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये हम अपने पुण्य का ही उदय कहेंगे। हम दोनों पिताजी और मम्मी जी ने आज यहाँ पे संरक्षक बनी है, जिनवाणी मंदिर की संरक्षक बनी है, तो ये हम सब के बहुत ही पुण्य का उदय हुआ कि हम यहाँ पे आए और हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए माता जी का बहुत अच्छा है, बड़ा ही महत्व है, आप लोगों को सबको याद है नहीं याद है, बड़ा ही महत्व है। मैं कहूंगा साथ में सब साथ देंगे, मुनियों में कुलभूषण देशभूषण का, महिलाओं में आभूषण का, और आरिकाओं में स्वस्ति भूषण का। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं जिस मंदिर ने मात्र 10 वर्ष की, 7 वर्ष कहूंगा, 2020 से पंचकाण हो गया था, 7 वर्ष की अपनी अवस्था के अंदर इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, जो कि आज हमारे राजस्थान प्रांत नहीं, दिल्ली प्रांत नहीं, समस्त भारत नहीं, विश्व पटल पर एक सितारा बनकर उभरा है। ऐसे हमारे जहाजपुर वाले बड़े बाबा के चरणों में खड़े होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमें हमारी पूजनीय माता जी छुल्ली माता जी विराजमान हैं, इनका पूरा आशीर्वाद, संपूर्ण आशीर्वाद हमारे परिवार को मिलता रहता है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थं कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप,
आज ग्रही ने जन्म लियो आओ आओ मनाए खुशी आज आरती। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाँ